मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो होली आने वाली है, कैसे चल रही हैं आप सब लोगों के यहाँ तैयारियाँ? मतलब आ ही गई, पता भी नहीं चला। बताओ आज है कहाँ, मतलब होली आ ही गई अब कल। तो अब देखते हैं होली पे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि मैं तो घर चली जाऊँगी। मतलब ये ब्लॉग तो आप देखेंगे सुबह, बट मैं आज घर चली जाऊँगी शाम को। तो मैं होली वहाँ सेलिब्रेट करूँगी, क्योंकि फर्स्ट होली मायके की होती है ना, तो इसलिए मैं चली जाऊँगी अपने मायके उमंग तरंग लेने के लिए आएंगे। तो फिर आप लोग बताइए, आप लोग होली कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? और मज़ा आने वाला है, मुझे होली पसंद है, बट अब ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही है। क्योंकि मेरे को ना थोड़ा ऐसा हो गया है कि एब्डोमेन में ना इन्फेक्शन सा हो गया है ऐसा, क्योंकि ऐसे मतलब मोशन सिकनेस हो जाती है ना वैसा, तो इस वजह से मेरे को पेट में काफ़ी दर्द है। तो इस वजह से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, नासाज है मेरी तबीयत। थोड़ी हिंदी के हैवी वर्ड सीख रही हूँ मैं, मतलब सीख रही हूँ, आते ही हैं, बट कभी कभी पता नहीं होता किस लिंगो में आपको कहाँ क्या यूज़ करना है, तो इस वजह से बस। बाकी सब ठीक है, अब मिलेंगे, देखते रहिए आगे का व्लॉग। डुल्लू डुल्लू आओ बेटी, कश्मीरी का सामान उठा के रख बेटा। डुल्ला डुल्ला कौन है बाहर, कौन है? ओम भैया तरंग भैया कौन है बाटू जी? मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी, बैग पैक हो गया है हमारा, तो अभी हम चलते हैं अपने मायके। ये उमंग तरंग मेरे को लेने के लिए आने वाले हैं, तो मैं उमंग और तरंग दोनों के साथ जाऊंगी। उमंग तरंग मेरे भाई हैं, उमंग है मेरे से, मतलब दोनों मेरे से छोटे हैं। उमंग है बीच का और तरंग है सबसे छोटा, तो जो सबसे मतलब ऐसा हेल्दी सा लगेगा वो तरंग है, वो सबसे छोटा है, जो पतला सा लगेगा वो उमंग है। तो अभी वो आने वाले हैं, मम्मी का कॉल आया कि वो निकल चुके हैं, तो वो आ रहे हैं मेरे को लेने के लिए, और उसके बाद हम चलेंगे घर अपने मायके। ये बेवकूफ भाग गई है, हमारा डुल्ला भाग गया, इन्होंने भगा दिया। उमंग तरंग भी आ गए, उधर खड़ी करते, पेड़ से बंदर का टूट गए, जो गिरा दी ना तो शीशे तोड़ देंगे। अच्छा। उधर लगा दे, तो यहाँ लगा दे बेटा, यहाँ पे ये पेड़ बेकार है, बिल्कुल ये पेड़ बेकार है, पेड़ गिर सकता है, लकड़ी गिर जाती है इसकी। अब सुन रहे माँ, पता क्या मांग रहे कोई, इधर लगा, इधर यहाँ पे लगा दे बेटा गाड़ी, ये पेड़ से ना पेड़ वो गिरा देते हैं, एक मिनट शीशा। माँ पता नहीं कितनों की गाड़ी यहाँ से हटवाती है बचवा के, और जिसकी जिसकी नहीं हटवाई ना उसकी भी 100% शीशा फूटा है। हमारे खुद का क्या हुआ था ना कि एक महीने में एक, दूसरी ये, तीसरी i20, चौथी ऑल्टो, चार गाड़ियों के शीशे टूटे थे लगातार, किसी ने कभी यहाँ पे कभी उधर पेड़ के नीचे, चारों गाड़ी के एक ही महीने में शीशे टूटे। अच्छा कभी टहनी अंदर चलो आप, इधर से जाने क्यों, इसको पता है ना वो आगे दोनों, जमुरे इधर दिखाओ ब्लॉग, साले साहब आइए, नमस्कार भाजी, नमस्कार भाजी, अरे ये दोनों आ गए, देखो आगे वाला हमारा छोटा वाला है और पीछे वाला बड़ा वाला है। ये हमारे उमंग भाई, ये शिवी के बड़े भाई हैं, मतलब शिवी के बड़े भाई नहीं है, दोनों छोटे, ये शिवी उमंग और तरंग में शिवी बड़े, मैंने बता दिया छोटे है, और ये तरंग भाई है सबसे छोटे, मैंने बता दिया। मेरी कौन ने टेलीफोन मिलाया, तो कह रहा हाँ जी कौन, छोटा वाला बड़ा वाला पहले बोलने वाला, हाँ अंकल बताइए, पूछने पर कौन है एक बार। अच्छा नंबर सेव नहीं है, अरे नंबर, अरे कोई और उठा ले, इधर दिखाओ, नहीं है एक बार बताओ, हमने कुछ जुलम कर दिया जो इसे ब्याह के लिए आए हैं, लोगों ने तो आना ही बंद कर दिया बेटा। डैडी सुनो, तुम तो मेरे जिगर के टुकड़े हो, डैडी तीन महीनों में खा रहे, इधर दिखाओ,
देखो जी कोई बुरा मत मानना, हमारे डैडी दिल के साफ है, वो बात ऐसे ही करते हैं। उनका कहना केवल इतना रहता है कि बच्चे जो हमारे आते रहते हैं ना, क्योंकि शादी से पहले भी आते जाते रहते थे, तो डैडी को अच्छा लगता है खाना बनाना, तो उनकी ये ख्वाहिश रहती है कोई भी बच्चा फरमाइश करता है खाना खिलाना माँ बना के सब्जी बना दे। हाँ सॉरी सब्जी सब्जी आई एम सॉरी रोटी नहीं मतलब सब्जी, डैडी को मतलब हॉबी है डैडी की कुकिंग, तो वो बना लेते हैं। तो उनका ये रहता है कोई भी बच्चा फोन मिलाए कि भाई आज ये बना लीजिए डैडी और आप हम आ रहे हैं, तो उन्हें बड़ी खुशी मिलती है। तो इस वजह से डैडी रहते हैं नाराज इनसे, क्योंकि अब ये समय नहीं निकल पा रहे, इनकी भी व्यस्तता है, उमंग का ऑफिस शुरू हो चुका है और वो अपने कॉलेज में व्यस्त है। डैडी अभी फिलहाल के लिए माफ कर दीजिए भैया, और कर भी क्या करते हैं हम दूर तो क्या करा है कि हर बार ना डॉलर का किसी ना किसी रीजन से कोई ना कोई चीज रह जाती है, तो अब होली के पर्व पे जो है आते हैं मतलब गिफ्ट्स आते हैं मिठाइयाँ आती हैं, तो उन्होंने सबसे पहले जो रखा है हमारे डॉलर का रखा है। अगर मैंने कही खजूर के डिब्बे में क्या लाए हो, खजूर ही लाए हो? नहीं जी नहीं, टमाटर रखा था और धोखे ये देख पानी अभी भी है, बस धोखे कितनी जो है मतलब वाके भैया अभी मैं कैसे देख सकता हूँ, अभी माँ करेंगी ना जो करेंगी। हाँ जी अंदर दो अंदर अंदर, डैडी खुश हो गए, डैडी डुल्लू का देखते खुश हो गए। खजूर खिलाने चाहिए डॉलर को, हमने खोल कर देखो डुल्लू के लिए टमाटर आए, ये डुल्लू को खिलाया जाएगा नहीं, ये ओनली डुल्लू के लिए है। महीने में होली वाला जो सिस्टम है ये एक पहला ऐसा पड़ा है जिसमें हम सभी लोग घर पे हैं, कभी डैडी बाहर होते हैं कभी माता बाहर होते हैं, जब तुम आए हो और जब ये एक मिनट पहले तो भैया है, माधव भी इसी वजह से तो आया है, तो नहीं बाहर ही तो था माधव, ये सारी टोकरियां ऐसा कर लेते हैं, मेहमान है मेहमान नवाजी वाला वो चाहिए, बताओ डिमांड पे बने छोले भटूरे। अच्छा छोले भटूरे इनके डिमांड पर। हाँ जी अब तो ठीक हो, अब तो खुश हो, इन्होंने डिमांड रख दी। चलो नहीं माफ तो नहीं करा जा सकता, माफ करने के लिए इन्हें प्रयास करना होगा। इससे मैंने कई बार कहा है ये हमारे पास में ही आता है या इसको डीएम रोड पे, डीएम रोड पे मैंने बेटा तू लंच करने यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलो भैया मैं तो भगवान जी से प्रार्थना करता हूँ, भगवान जी खूब बिजी रखे, ये अच्छी बात, बिजी बिजी रहना बहुत अच्छी बात, बड़े स्वभाव का मतलब ईश्वर की कृपा है बिजी हो। आप ये मानो कि मैं तो रिटायर्ड हूँ, आज भी मैं मतलब संडे में भी खाली नहीं रहते, मैं संडे में भी मतलब खाली फ्री नहीं हूँ, हम इनके बराबर मेहनत नहीं कर सकते, हमारे बस के नहीं है। आज भी मैं हुई आया, आज भी रेडी अपना खड़ी है सुबह, कल फिर जाएंगे, कल संडे है जबकि कल होली वाली। हाँ जी भाई साहब डैडी नहीं मानते, होली तो कह रहे मंडे की शायद, दोनों बड़ी छोटी बड़ी नहीं, छोटी दहन जो होगा कल रात को 11 बजे के बाद, 11 बजे के बाद होगा बढ़िया, मैं तो आ जाऊंगा 9 बजे तक आ जाऊंगा, 11 सुबह 5 बजे तक कह रहे हैं। माँ ने बनाया जबरदस्त छोले भटूरे, ये देखिए छोले हमारे कितने बढ़िया। माँ वैसे माँ इस बार भी रेसिपी नहीं दे पाए, बट देंगे जल्दी, अब दोबारा बनवा के। ये हमने ऊपर के लिए मंगाई है, मंगा ली, पता नहीं कौन सी मंगाई है। वाह भाई वाह, आओ जी बैठो शुरू करते हैं, आओ बैठो बेटे, अब हम खाना पहले डैडी आवे लेके, डैडी को खिलाना बड़ा पसंद है। हाँ जी बेटी डैडी आ रहे हैं, डैडी बेटा तू जरा या तेरा आ रहे हो के सब लोग खाएं पानी दे दे और मैं सर्व करूंगा।
डैडी ऐसे करने, डैडी सब बच्चों को खिलाने वाले हैं, उसके बाद बच्चे तो बच्चे कोई भी आ जाए घर पे तो जो है डैडी सर्व करते हैं, पहले सबको खिलाते हैं उसके बाद खाते हैं। देखिए जा रहे हो, अरे गॉड साहब जाइए, छोटे वाले होंगे ना। अच्छा गुजरात में शादी वाले ना करते हैं। कितना बड़ा टीका, कितना बढ़िया लगा यार। मैं इस मामले में भाई बहुत बढ़िया देख ले एकदम। ठीक है तो बढ़िया ही लगा, मैं सुधर ही वापस आ गए। हेलो बेटा इधर ले लो थोड़ा थोड़ा मीठा सा, तो पीला हो रहा है ये तो ला मैं सब लोग अरे तन्ने होली तो फ्री में टीका लगा उनसे पहले मां हम पहले टीका लग वो पैर छू। नमस्ते बेटा जी, हैप्पी होली ले ले जो तेरा जी करा तो वो कर। हैप्पी होली, हैप्पी होली जी, जो सही कर रहा है। अच्छा मेरे नन्ना है क्या वही, मेरे थोड़ा सा नन्ना टीका। अरे खुशबू आ रही है बच्ची, अरे बहुत जबरदस्त है यार, बहुत जबरदस्त है, ज्यादा मत सूंघो कभी गुलाल अंदर ही चला जाए। तुम भी तो लगा दो उधर चले गया अमजद क्या साले मेरे पैर नहीं छुए तुमने। अरे दूर पड़ो यार, टेबल के उधर भाग यार पीछे पीछे आओ। वेरी गुड शाबाश, खुश रहो। हमारे टेसू के फूल का बड़ा बन वो रहता है पापा हमेशा हर होली पे। केसू केसू टेसू, एक बार तो मैंने तोड़ा था फूल उतार उतार के वहाँ कोटद्वार जब गए थे। वीडियो जल्दी, बहुत जबरदस्त खुशबू है, बहुत अच्छा है यार। अरे अच्छा साफ तो रहिए हमारे। अरे वाह, मैं जो है आज जो है 2024 है, 25 साल बाद होली खेल रहा हूँ। 25 साल बाद इसने गुलाल लिया है हाथ में, 25 साल हो गए मुझे जब से चाचा गए इसने होली खेलनी बंद। होली कोई त्योहार मनाता ही नहीं हूँ। खुश रहो भैया और जो बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। बाकी माँ हम कल जाएंगे ना, कल भी हम आएंगे, फिर परसों हम होली खेलने जाएंगे, परसों खेलने आएंगे, कल हम आएंगे। जैसे आप आए हो वैसे हम आएंगे कल। कल इनका फगुआ जाएगा, फगुआ हमारे यहाँ फगुआ होता है जो शादी के बाद पहली बार में जाता है दुल्हन का, तो फगुआ होता है, तो कल हमारी तरफ से फगुआ जाएगा। ब्लॉग में बने रहिएगा कल का फगुआ देखने के लिए। अब डॉलर को भी ले जा रहे हो क्या है, फिर डॉलर आएगा कैसे? आ जाना ले ले, वरना रह लेगा हमारे पास। अच्छा जा रहे हो? हाँ, तुझे जा रहे हो? अभी जा रही है तो मिल जाएगा। आ जा बेटी, डॉलर आप जा रहे हो? मेरा बेटा पीछे जाएगा, सीधे पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, बैठेगा। डॉलर जा रहे हो? चलो आओ आओ डॉलर, आओ आओ, चलो आ जाओ, आओ डॉलर आओ। दिल्ली मेरा बाबू है, मेरे मामे को चाट रहा। अबे मामाओं के आते बिगड़ गया क्या? ओ कितना गुर्रा है, है तो मामाओं के आते गुर्रा राम पे। आओ डॉलर आओ, डर लग रहा मुझे भी। ओए बाबू नहीं, नो माँ देख रही है, बदतमीजी कर रहा है ये। चलो बाय कर दो, बाय काट ले, वो काट ले कर रहा है, ज्यादा बदतमीजी कर रहा है। ठीक है जी भी, ओके चलो ध्यान रखना, ठीक है चलो चलो जी भी, मिलेंगे परसों।
डॉलर बाय डॉलर माँ आ जाओ इधर आ जाओ। अरे नहीं छुए तो फिर छुरेगी ना डैडी के छुए तो मैंने आराम से आराम से। और कितने यार बहुत प्यार करता है तुमसे, इतना ना करे किसी से भी। बाय तुम कुछ कर रहा है ठीक है भाई ओके बाय नमस्ते चलो खुश रहो भैया ओके जी हैप्पी होली हैप्पी होली से भी आएंगे कल भी आएंगे परसों भी आएंगे। इसको तो जल्दी मच रही है ना जाने की कूदने की पड़ी हुई है ऐसा एकदम। हां हां चल तेरी अंदर छोड़ देना मुझे छोड़ दे डुलू डुलू मिल तो लो कहां जा रहे हो मिल तो लो सबसे ए इधर आओ डुल्ला सामान मिल गया आपको सामान मिल गया आपको इतना खुश हो गए आप देख के डॉलर आपने कहा मैंने कहा स्पेलिंग किसने लिखी मैंने कहा डी ओ एल आर मम्मी ने लिखी होगी डुल्ला डुल्लू डॉलर आ जाओ बेटा दे रहे हैं डुल्लू भागो नहीं दे रहे हैं तेरे पीस दे रहा हूँ फिर भी इसे यहीं आके भूख लगती है वहां खाएगा नहीं जरा अभी यहाँ देख ले अभी खाता रहेगा आराम से दो मिनट तुम टमाटर बांध के क्यों नहीं लाए अपने तुम्हें भेजे थे अभी इधर आओ इधर आओ दे रहा हूँ इधर आओ कम है इधर आओ दो लेके आते अपने साथ में आओ इधर आओ तुम दो टमाटर में पैक करके लाने थे ना उसमें से तुम्हें दो टमाटर भेज देते जो डुल्ला अब ऐसे सारे भूख याद आ जाती है। तो दोस्तों अब होली है यहाँ सोने की तैयारी क्योंकि 12 बजे वगैरह होली आ गई है हैप्पी होली तो अब हैप्पी होली आ गई है भाई सबको हैप्पी 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 होली होली की ढेर सारी शुभकामनाएं खूब अच्छे से होली सेलिब्रेट करें लेकिन ज़्यादा इधर उधर सबको कलर ना लगाएं जिनको नहीं पसंद है बट सभी ध्यान रखें अपना और किसी की आंखों वाँखों में भी ना जाए और पेट्स का ज़रूर ध्यान रखें अपने क्योंकि पेट्स को मतलब ना कभी कभी हमारे जैसे छोटे डुल्लू को ना कलर लगा हुआ अगर चेहरा भी दिख जाए ना तो वो पहचान नहीं पाता तो ये देखो तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें अपने पेट्स का भी जिनके पास पेट्स हैं तो ज़रूर उनका ध्यान रखें। तो कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ तब तक के लिए शुभ रात्रि।